बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की जो डिश है आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो आइए मिलके इस डिश को तैयार करते हैं। आज की डिश में है शकरकंदी। शकरकंदी के साथ हम नई डिश तैयार करेंगे। शकरकंदी को अच्छी तरह धो लेना है, उसके बाद किसी भी बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी डालना है और आपने इसको हल्की आँच पे रख देना है पकने के लिए। हल्की आँच पे 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे। 20-25 मिनट पकने के बाद आपने चम्मच या छुरी के साथ इसको टेस्ट कर लेना है कि ये गल गई है, तो आपने फिर इसको चूल्हे से उतार लेना है, ठंडा होने के लिए रखना है। शकरकंदी की डिश बनाने के लिए दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं। शकरकंदी में हम लहसुन भी ऐड करेंगे। लहसुन को आपने बहुत बारीक काट लेना है। आपके लिए मैं नई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। लहसुन को आपने बहुत बारीक काट लेना है। उसके बाद हम टमाटर काट लेते हैं। तो आपने एक फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन में ये कटा हुआ लहसुन डाल देना है। एक चम्मच हम तेल का शामिल करेंगे। उसके बाद हमें प्याज भी चाहिए साथ। ये प्याज को आपने बारीक काट लेना है और इसको ऐसे लहदा लहदा कर लेना है। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो आप भी ज़रूर बना के खाइएगा। ये शकरकंदी है, इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, बयान नहीं किए जा सकते। अगर मैं बयान करने लगूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बस मैं इतना ही आपको बता देती हूँ कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर बना के खाइएगा। तो ये हमारे पास उबले हुए चने हैं, अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये कटे हुए टमाटर हैं, ये भी शामिल करेंगे। आपने इनको हल्का सा बस पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इनकी सलाद बना रहे हैं। ये आप इसके अंदर हम पालक शामिल करेंगे। ये जो पालक है ये बहुत ही नरम है, इसको ऐसे भी खाया जाता है, लेकिन हम पालक को सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये बारीक पीसी हुई काली मिर्ची हैं, आधी चम्मच हमने नमक शामिल किया है। तो बस ऐसे ही आपने चीज़ें शामिल कर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा मसालों की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं, सुरख मिर्चे डाल सकते हैं इसके अंदर, और जो चीज़ें आपको पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। ये शकरकंदी ठंडी हो चुकी है, छिलका उतार लिया है, इसको बारीक पीसों में काट लिया है। तो अब हम बड़ा बर्तन लेते हैं। जो शकरकंदी के लिए जो चने तैयार किए हैं इनको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसमें हम शकरकंदी जो हमने पहले उबाल के रखी थी वो शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। जो शकरकंदी के साथ दो चीज़ें और हैं, एक तो प्याज है जिसको हमने लीमू लगा के तैयार किया था, दूसरा दही है क्रीम वाला, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके तावन का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।